कश्मीर के हिसाब से कुछ भी नहीं है हमारे पास यहाँ पे। हमारे पास ऑप्शन है ना, हम घर से निकले हैं तो मकाम तक पहुंच ही जाएंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त सैफ पर। यहाँ पे एक मॉल है जहाँ पहले भी रुके थे, नमाज पढ़ने गए थे। सिर्फ पढ़ ली नमाज, पढ़ लिया, कुछ खाते हैं अब चल के। बहुत ज्यादा गर्मी है आज, बाहर जल्दी जाओ खाया फिर चले। मजा रहा बारिश में, धूप में बारिश, दुआ करते हैं। दुआ करो। किंगडम भी कौन सी दुआ मांग रही है? सबके लिए करनी होती है। क्या मांगा? जब सबको सब कुछ मिल जाएगा तब बता दूंगी। तो कोई बात नहीं, तुम कहते कश्मीर ड्रेस पहननी पड़ेगी, जिंदगी में सवाल नहीं पैदा होता। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कश्मीर रेट पूछ गया है, जो सस्ता होगा उसमें टिक जाएंगे। तो जो सेंट्रल था वो भी 6,000-5,000 बोल रहा है। नैनी स्वीट्स ने बोला है 3,500 एक रूम का। तो ये जैस्मीन में इनको कोई शायद सस्ता मिला तो देख के बड़ी खुशी है। सब लोग आए कपड़ों की शॉप पे, क्योंकि शादाब और आकिब तो प्लान करके आए नहीं थे कि उन्हें आगे जाना है, वो दिल्ली से वापस जाने वाले थे लेकिन टिकट नहीं मिला। तो अब वो हमें जम्मू तक छोड़ने जाएंगे और उनके पास कपड़े अभी लेके नहीं आए, इसलिए उनको भी शॉपिंग करा देते। बात कीजिए सबा इब्राहिम और सनी की, जो जा चुके हैं हनीमून के लिए कश्मीर। काफी टाइम से सबा सनी को था हनीमून पर जाने का इंतजार। सबा सनी बहुत ज्यादा खुश नजर आए। सबा जिस तरह से खुश नजर आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सबा को इतनी बड़ी खुशी मिली हो। और सबा ने जाते हुए मांगी दुआ। आखिर सबा ने ऐसा क्या मांगा होगा? फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि सबा ने जरूर प्रेगनेंसी की ही दुआ मांगी होगी। और आपको क्या लगता है कि सबा ने क्या मांगा होगा तो कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।